दूर दराज से चक्कर के हमारे बीच में रेफरी का कार्यभार संभाल रखे हैं मिस्टर रविंद्र जी। कैसे बगुला बैठ रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि जब तक माइक खाली है तब तक आप अपने दूरदार शब्द टूर्नामेंट के बारे में दर्शकों के अपने में खिलाड़ियों और आपके जो भी साथी कमेंटेटर हैं उपस्थित भाई सभी सम्मानित साथी और हमारे कबड्डी प्रेमी सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बंधन है। मैं रविंद्र सिंह प्रयागराज से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है कि हमको पुकार पर आने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही आप सबका प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा, जो भी हमसे बन पाता है मैं आप सभी के सामने अपना निर्णय देता हूँ। अगर आप सब लोग हमारी निर्णय से अगर संतुष्ट हैं तो मैं चाहूँगा एक बार थोड़ी सी अपनी तालियों से बता दीजिए कि हमारी कभी उधर बात करते हो आप तो बड़े लोग हो, हमसे कहां बात करते हो, हमसे कहां बात करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रविंद्र भाई। मुझे पता नहीं था कि आप इस रूप में भी हैं, शायरी अच्छी कर लेते आप। जहां जहां मौका मिले तो सुनूंगा जरूर मैं। उत्तराखंड से टीम आई है जो मरुआ नाम से खेल रही है। कहाँ से आए भाई आप लोग? हेलो, कहाँ से आए हो? मेरठ। मेरठ से? एमएम पब्लिक स्कूल। ठीक है, एमएम पब्लिक स्कूल मेरठ से आए हैं खिलाड़ी जगदीशगढ़। हेलो, कहाँ से आए आप लोग? उत्तराखंड से आई है मरुआन की टीम। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। उत्तराखंड से अगला मुकाबला प्रतापगढ़ स्टेट की सर्जरी से चल करके आए हैं बाबर भाई। उनका इस्तेमाल कमेटी की तरफ सजाने संवारने में हालांकि एक नाम मैं मिस कर रहा था, जगदीशगढ़ के प्रधान मोहम्मद शमीम का भी एक अहम रोल रहा है इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने में। चलिए खेल विदा फिर बात किया जाए। ताश से यहां पर रविंद्र हॉर्ड, मैं आपको बता दूं सिक्का उछला है और कोर्ट से सूचना ये आने वाली है कि कौन ये टॉस जीता है, ये अच्छा थोड़ी ही देर में कंफर्म होगा। टाइम कितना चाहिए? 15 मिनट नहीं, 15 मिनट जाता है, दोनों टीमों को 12 मिनट मिलेगा। खेलिए, कौन टॉस जीता है? टॉस में भाई उत्तराखंड पब्लिक स्कूल जगदीशगढ़ की टीम है और ये टीम मरुआन की है। टॉस जीत के कोर्ट चूज किया है, पहली रेड के लिए तैयार है रेडर, काफी देर से खड़े हुए हैं, विसिल का इंतजार। नहीं मिल पाई,
आधे खिलाड़ियों का कोई टाइमली सपोर्ट मिल पाने के कारण पब्लिक स्कूल का खाता खुलता हुआ क्रॉस किया, जिसके साथ इस वक्त पब्लिक स्कूल का खाता खुलता हुआ जो कि पहले पॉइंट की तलाश में है इधर टीम मरवा। 12 मिनट का ये मुकाबला 24 मिनट इस बार शिकार किया गया यानी कि डिफेंस में पहला पॉइंट अर्जित करती हुई इस वक्त टीम एवं पब्लिक स्कूल। और मेरा अगर हम ये कह सकते हैं कि एवं पब्लिक स्कूल ने अपने दो शोरों में खाता खोल लिया है। थोड़ी सी सुस्ती बरतने और बेंच पर जाना पड़ेगा लीडर एवं पब्लिक स्कूल को, क्योंकि बहुत ही चमकता के साथ लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर ने शिकार किया बहुत ही चालाकी के साथ बिल्कुल चीते की फोटी में। और इधर रेडर मरवा की कोशिश लेकिन कोई एंगल नहीं बना, दो दो पॉइंट की बराबरी जाता हुआ मरवाल के खाते में, इसको इस वक्त दो दो पॉइंट के साथ बराबर हो चुका है। वार्निंग है, जैसे कोई आप नहीं कर सकते, मैच का शुरुआती समय है ये और मैच के शुरुआती समय में ही घमासान दिखाई दे रहा है। क्या सुंदर एंकल होल्ड किया है और दोनों टीम एक मिनट, चलिए इस मिनट के बाद थोड़ा समय रोकिएगा, वे गलती कर रहे हैं खिलाड़ी। तो बदलाकर हम ये कह सकते हैं कि मैच तो शुरुआती समय में ही अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाने की जो कोशिश कर रही थी यहाँ पब्लिक स्कूल लगातार उसमें कामयाबी उसे मिल रही है। 5-2 का स्कोर जो कि पहले हाफ में खेल चल रहा है। 12-12 मिनट है, टाई इस बार और हम ये कह सकते हैं
सियासी लीड बना चुकी है पब्लिक स्कूल। क्या ये लीड बचा पाएगी अगर पब्लिक स्कूल या फिर सेकेंड हाफ में ब्लड मार करेगी मरवान की टीम। बहुत सारे उलटते देखने को मिल सकते हैं, ये मुकाबला चल रहा है। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, तो बैठ जाइए पीछे, दर्शकों को नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शक दूर दराज से पेट्रोल खर्च करके हमारे बीच में आए हैं इस मुकाबले का लुत्फ लेने के लिए, मजा लेने के लिए। उन्होंने दिखाई नहीं देगा तो क्या आनंद लेंगे। नहीं है टच के जरिए एक और पॉइंट आता है पब्लिक स्कूल के लिए। दुपहर में आकर हम ये कह सकते हैं पब्लिक स्कूल की टीम इस वक्त मजबूत गिरफ्त की ओर दिखाई दे रही है। 10 पॉइंट की लीड है उसके बाद, जबकि पहले हाफ का खेल अभी चल रहा है। अच्छा अपने खेल के स्तर को ऊपर की तरफ लगातार लेकर के जा रही है एवं पब्लिक स्कूल की टीम बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल दिखा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये वही टीम है जिसने पिछले वर्ष झंडा गाड़ा था इस्माइलपुर की कोर्ट पर, यानी कि फर्स्ट विजेता टीम थी। सपोर्टर कुछ खिलाड़ी चेंज भी है उसमें, उस तरीके हम कह सकते हैं कि अच्छे खेल का प्रदर्शन अभी तक उसके द्वारा दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्लड वार कर सकती है मरवान की टीम, माता है उस टीम के अंदर लगातार। रेड आउट, हालांकि स्पीड अच्छी खासी भरी थी, उन्होंने उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे, लाइन जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी जो उड़ान थी वो क्रॉस लैंड करा दी गई कोर्ट के बाहर। भैया अरबाज और अनिल ओझा जी कोर्ट के बाहर ही, क्योंकि परशूट करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इस बार पॉइंट आता हुआ सिंगल पॉइंट, एक बार फिर से ऑल आउट की तरफ बढ़ रही है टीम मरवा। जाना जवाब खेल का प्रदर्शन इस वक्त कर रही है टीम हरियाणा पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ हाई सेकेंड का पर। भैया कोई स्कूल की गाड़ी है, स्कूल के ड्राइवर तैयार है, बच्चे आगे उस पर बैठ जाए अन्यथा ड्राइवर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। अभी नहीं खुद बोल ले तो पहले बता रहे भैया दोनों के साथ दे दे आ रहे हैं नहीं तो गाड़ी स्टार्ट करता है पहले जाकर। खेल पर आरंभ है इस वक्त, लगातार यहाँ पर मजबूत गेंद बनाने की कोशिश जो चल रही थी आखिरकार कामयाबी यहाँ पर मिली है। एक पॉइंट अब लेता हुआ मरवान को 4-15 ये है स्कोर, जबकि पहले हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है। तकलीफ है हम देखा तरीके और उनका स्वरूप को आप पाइप दे दिए। ये आजाद भाई अपने अपने गाड़ी स्वयं ध्यान रखिए भाई, कंप्लेन ना कोनो जवाब बता दे। दर्शक अपने गाड़ी की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। और यहाँ पर रेफरी के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। 5वां पॉइंट आता हुआ यहाँ पर मरवान के टीम के लिए, 5-17 ये है स्कोर। चार खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करते हुए मरवान की टीम, मरवान की टीम की बात किया जाए तो काफी पीछे छोड़ चुकी है पहले हाफ में। 12-12 मिनट निर्धारित किए गए पहले हाफ के, दो हाफ पहले हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है। और पहले हाफ के खेल की नजर डाली जाए तो सूरते हाल कुछ इस तरह है, एक लंबी मजबूत गिरफ्त दिखाई दे रही है टीम
पब्लिक स्कूल के बैक की आजमाई जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। लगातार कोशिशें छटपटाहट दिखाई दे रही है और सामने से टैकल, बेहतरीन टैकल, एक और पॉइंट आता हुआ टैकल के जरिए इस वक्त टीम पब्लिक स्कूल को, पब्लिक स्कूल का स्कोर है 18 पॉइंट, जबकि मात्र 5 पॉइंट है मरवान के पास, जो कि उत्तराखंड से हमारे बीच में आई है। नाम मरवान का खली है, लेकिन असल में ये टीम उत्तराखंड यानी कि दूसरे स्टेट से हमारे बीच में आई है, लेकिन प्रदर्शन कहीं ना कहीं निराशाजनक दिखाई दे रहा है, खासतौर से पहले हाफ में। टाइम आउट किया गया है, इस बार करोड़ों की स्थिति में कोई लाइफ लाइन नहीं और झपटते ही शिकार। 2 पॉइंट मिलता हुआ सुपर टैकर का 7 और 18, ये स्कोर जो कि पहले हाफ का खेल यहां से समाप्त होता हुआ, पहले हाफ इस खेल की समाप्ति के बाद इस वक्त 11 पॉइंट की लीड है एरा पब्लिक स्कूल के पास। जो जिसकी भी बात किया जाए, जो टीम मेरठ से पैंट चड्ढी तो हाँ, पैंट तो हाँ चड्ढी अच्छा टैकल, सामूहिक टैकल, सुपर टेकन ऑन और इधर लीडर एमएम पब्लिक स्कूल, एमएम पब्लिक स्कूल को साइड ले जाइए, मरवान की साइड ले जाइए। स्टेडियम वर्सेस विद्याकरण को दोनों टीमें तैयार रहेंगी, हालांकि मुझे कई बार फोन आया था कि प्रताप स्टेडियम का मैच कब होगा, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है, प्रताप स्टेडियम की टीम हमारे बीच में आएगी और उसका मुकाबला भी विद्याकरणपुर से होगा। 1 पॉइंट अभी भी आया है टीम मरवान के लिए, 8 और 19 ये है स्कोर। तो सेकंड हाफ में भी इस वक्त हम कह सकते हैं कि एमएम पब्लिक स्कूल अपने लीड को बरकरार रखा है। अगर इस मुकाबले में पलट पार करना है टीम मरवान को, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश करना होगा और अटैकिंग खेल दिखाना होगा, खास तौर से दोनों शोबों में, चाहे आप डिफेंस की बात करें, टू एंड 4 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करते हुए अच्छा स्कैप करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इस बार टैकल किया गया है सिंगल हाई होल्ड के जरिए, 9 खड़े यार, देख रहे हो ना कितनी खिंचाई हो रही है। Yeah.
साढ़े आठ मिनट का खेल अभी बचा हुआ है, 8 मिनट 28 सेकेंड का खेल बचा हुआ और इधर रेडर्स एरम पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल की टीम लगातार अपनी लीड को कायम रखा है। 10 पॉइंट की लीड कोई छोटी लीड नहीं कही जा सकती है। भी जबरदस्त खेल पर नजारा पेश करना होगा लेकिन थर्ड एट टू एंड थर्ड 21 और 11 ये है इसको टू एंड आई। हालांकि लाइफ लाइन है इस्तेमाल चुटकी लगाने में आपको बचाने की कोशिश। अच्छा स्टेप एलम पब्लिक स्कूल के रेडर का 2 पॉइंट में तावा 23 और 11 ये है स्कोर। एलम पब्लिक स्कूल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लाइन लगाने की कोशिश अच्छी जंप लगाई थी लेकिन कहीं ना कहीं हवा में ही चेक किया गया जो अब थोड़ी से पहले जो सिचुएशन थी वो अब ये सिचुएशन एक बार फिर से आ चुकी है टीम मरुआन की। हालांकि टीम खिलाड़ी है सुपर टेकर सिचुएशन है 24-11 ये है स्कोर 24-11 स्कोर है। हालांकि साफ से खेल का प्रदर्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है टीम मरुआन का। उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टीम को फलकवार करना आसान काम नहीं है। हालांकि नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता लेकिन आसान काम नहीं है। हम ये दावे के साथ खेल रहे हैं उनके खेल के प्रदर्शन को देखते हुए इस बार पॉइंट कहा जाए गिफ्ट किया गया है 12 और 24 ये है स्कोर। जबकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है धीरे धीरे ही सही लेकिन समय निकलता जा रहा है और जैसे जैसे समय निकलता चला जाएगा बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा चार्ज दिखाई दे रही है इस वक्त मरुआन की टीम। उसने लगातार आपकी गिरावट देखते कही जा सकती है। अगर एनएम पब्लिक स्कूल के लिहाज से देखी जाए दोनों शोरों में अटैकिंग खेल का प्रदर्शन करना होगा अगर इस मुकाबले में फुलट पार करना है कि मरुआन को। अन्यथा मरुआन का रोलिया बिस्तर पथना तय है इस मुकाबले में उन्हें बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। इस बार नई टीम पर उन्होंने हैंड टच की कोशिश की आजमाया और कामयाबी भी। चलिए टू एंड आई जबकि 5 खिलाड़ी है तो बोनस का कोई सवाल उठता नहीं है यानी कि कोई लाइफ लाइन नहीं है। अगर टच पॉइंट के जरिए ही अपने आप को बचा सकते हो तो बचा सकते हो अन्यथा रेडर का शिकार किया जा सकता है। टैकल किया गया अंतिम 5 मिनट का खेल इस वक्त बचा हुआ है इस मुकाबले में 14 और 24 10 पॉइंट की लीड अभी भी टीम एवं पब्लिक स्कूल के पास। इस मुकाबले के बाद प्रतापगढ़ स्टेडियम की टीम और टेक्निकल पॉइंट दीजिए स्वतंत्र रेफरी खेल भावना के विपरीत जाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बात को आप ध्यान रखिए। नहीं आप टूर्नामेंट में अवॉइड मत करिए बिल्कुल अगर खेल भावना के विपरीत जाते हैं तो आप येलो कार्ड दिखाइए सस्पेंशन दीजिए 2 मिनट का विसिल बच जाए उसके बाद छोड़ दीजिए जाने दीजिए जहां पर रेडर जा रहा हो। अंतिम 4 मिनट इस वक्त रेडर को 26 और 14 ये है स्कोर यानी कि 12 पॉइंट के लिए एवं पब्लिक स्कूल के पास। मुकाबला कहीं हम ये कह सकते हैं कि वन साइड हो गया है। इस बार अच्छा स्टेप एक और पॉइंट आता हुआ एवं
सेम और चौड़ा ये है इसको। तीन नंबर की जर्सी में इस वक्त रेडर मरवा, कहीं ना कहीं मरवान की टीम थर्ड रेट पर खेलना पसंद कर रही है। जहां उसे दोनों शोबों में चाहिए पॉइंट, वहां वो केवल टैकल के भरोसे चल रहे हैं। अंतिम थ्री मिनट, लास्ट तीन मिनट का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले में। लीड की हम बात करें तो 14-27 स्कोर है, लंबी लीड है 13 पॉइंट की। रेडर को चाहिए कि बल्कि में पॉइंट लाए, वहां वो सेफ रेट करके आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरती हुई दिखाई दे रही है, मुझाना शुरू हो चुकी है। देख रहा है सुपर टैकल सिचुएशन, टाइम पास की रणनीति अच्छी रणनीति की जा सकती है हम पब्लिक स्कूल की तरफ से। लास्ट दो मिनट का खेल बचा हुआ है, अच्छा किया गया। हालांकि इधर भी टू एंड आई थर्ड है, सिर्फ दो खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन। फोर पॉइंट एक बार फिर से ऑल आउट होती हुई टीम 32-14, लंबा फासला। अगला मुकाबला प्रताप स्टेडियम ऑसेंस। बैलर कठोरिया को छाल लगाया हो, मैच खत्म हुआ और इस मुकाबले को एवं पब्लिक स्कूल ने 14-35 के मुकाबले से इस अपने नाम कर लिया है। अगला मुकाबला प्रताप स्टेडियम और से बीरिया कानपुर दोनों टीमों का मुकाबला क्या है हो जाते हैं तब तक माइक से अबू भावत क्या कहें, माइक से कोई भी दर्शक पीछे नहीं जाएगा, उनको पता है माइक से कहने का मतलब है भाषण नहीं कह रहे हैं, बागर वाले को कह रहे हैं, सभी ये समझ रहे हैं।